हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल टेक्निक रख रहा होता। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अपन बात करेंगे एम्पलीफायर के बारे में, सर्किट डायग्राम के बारे में। तो आज मैं आपके लिए एक लोकल पीए एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये लोकल पीए एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप देखिए, यहाँ से इसकी सप्लाई जाती है, जो ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर है उससे डीसी सप्लाई यहाँ से दी गई है, और यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर भी लगाया गया है। फिर ये यहाँ पर एक वो लगाया गया है फ्यूज, और फ्यूज के बाद सप्लाई चारों तरफ दी गई है। तो चलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर से। यहाँ पर ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है इसका, और इसके ये कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का जहाँ पर स्पीकर वायर हम लगाते हैं, और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग पर के जो सेंटर टैप होती है ये वाली, इस पर मेन सप्लाई दी गई है, पॉजिटिव सप्लाई यहीं पर आती है। देखिए, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से लाइन जा रही है और ये फ्यूज पर जाती है। तो इस पर दोनों टैप से जो वोल्टेज आउट होता है तो सीधे ही ट्रांजिस्टर जो आउटपुट के लगे होते हैं उसके कलेक्टर पर जाता है। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर है 21305। तो इसके कलेक्टर पे दी गई है, और एमिटर, एमिटर इसका ये ग्राउंड है, ग्राउंड किया गया है। दोनों साइड के एमिटर को, ट्रांजिस्टरों के एमिटर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और फिर देखिए, इसका बेस है वो सीधे ही ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, इससे सीधे ही सेकेंडरी वाइंडिंग पे जुड़ा हुआ है, जो बेस सेकेंडरी वाइंडिंग पे जुड़ा हुआ है। और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो इसकी ड्राइवर ट्रांसफार्मर की होती है वो, उसको देखिए आप, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जोड़ दी गई है रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये ग्राउंड पे जुड़ी हुई है रेजिस्टेंस, और फिर से ही सप्लाई जाती है यहाँ से जुड़ी हुई है, जो मेन सप्लाई है वहीं से जुड़ी हुई है। और उसी की प्राइमरी वाइंडिंग को देखिए आप, तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए सप्लाई कहाँ से आती है, तो ये यहाँ से, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 3.9 ओम का, एक रेजिस्टेंस 3 वाट का, यहाँ से इसके पहले से ही, इस रेजिस्टेंस के बाद से दी गई है सप्लाई। और ये यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर की एक सिरे को दी गई है, और यहाँ से ही सप्लाई निकल करके ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी एक ही ट्रांजिस्टर है। तो इस ट्रांजिस्टर पे 2N3055 का ये ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर को दी गई है, और एमिटर इस पर एक रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड से जोड़ा गया है, 2.2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और बेस फिर यहाँ से देखिए, बेस को ये सप्लाई, ये लाइन यहाँ से जाती है, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ पर जाके, यहाँ पर वो जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, ये देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वही पैटर्न इस पर भी काम करता है, वही थ्योरी यहाँ पर काम करेगी। तो ये ग्राउंड से जुड़ी हुई है रेजिस्टेंस 1 kV, और फिर यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया गया है जो 4.7 kHz का प्रीसेट है, और फिर इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 100 ओम की, ये पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में जो मैंने दिखाया था उसमें यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके आगे एक ट्रांजिस्टर और होते हैं, इधर भी और इधर भी, जो 62/92 या 20/60 सब में अलग अलग लगाए हुए होते हैं। बट इसमें एक ही ट्रांजिस्टर ड्राइवर ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया है। देखिए, एक ही दो ही ट्रांजिस्टर है इसमें, और उसमें पिछले वाले वीडियो में जो मैंने दिखाया उसमें 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगी हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ से देखिए, एक कैपेसिटर लगाया गया है, और फिर ये पॉजिटिव सप्लाई से 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके, फिर एक ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, BC549 का ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे सप्लाई आ रही है, और एमिटर इसका ग्राउंड है, रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया गया है। बेस पर देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है 2.2 के का, और फिर
बेस को 18 K का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया गया है। और फिर आगे चलते हैं, इसमें सिंपली 5 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही ट्रांजिस्टर इस बोर्ड में लगाए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर इसके आगे देखिए, ये इस ट्रांजिस्टर पे यहाँ से है कि इसके बेस के, देखिए बेस को यहाँ से बेस पे एक बॉस्ट ट्रेबल का कनेक्शन यहाँ पे किया गया है, यहीं से किया गया है। इसके बेस से एक वायर जाके 100 किलो ओम वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे लगाया है, और ये देखिए यहाँ पे एक PF भी लगाई है। और फिर इसी से आगे 100 किलो ओम का ट्रेबल जो कि वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे लगाया है, तो वॉइस ट्रेबल का यहाँ पे लगाया गया है जो इसी कैपेसिटर से जाता है। एक वायर इस ट्रांजिस्टर के बेस से जा रहा है। इसके आगे फिर देखिए, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई को कम किया गया इस ट्रांजिस्टर के लिए। फिर एक 10 K का रेजिस्टेंस लगा करके फिर इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई दी गई है। ट्रांजिस्टर सभी सेम नंबर के हैं। उसके कलेक्टर पे आइए और एमीटर को फिर से ग्राउंड किया गया। फिर इसके बेस पे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लगी है 330 K का, और फिर ये 47 ओम का एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है। फिर यहाँ से एक PF कैपेसिटर लगा करके यहाँ से ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दी गई है। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यहाँ पे 100 K का ही कैपेसिटर वो लगाया है यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल 100 K का है, ये माइक 1 के लिए और माइक 2 के लिए और ये माइक 3 के लिए, ये माइक के लिए लगाए हैं। इसके आगे ये फिर एक ट्रांजिस्टर और है, इस ट्रांजिस्टर पे सप्लाई यहाँ से आती है, और ये कैपेसिटर है 2.2 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा करके फिर से ये सप्लाई यहाँ पर दी गई है वॉल्यूम कंट्रोल, माइक के लिए वॉल्यूम कंट्रोल है 2 नंबर का, इस पे दी गई है। इसके आगे फिर एक ट्रांजिस्टर है BC549 का, तो इस पे भी 22 K का रेजिस्टेंस लगाया है जो भी कलेक्टर पे सप्लाई देने के लिए, और एमीटर पे 1 K का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड। और बेस से फिर देखिए यहाँ पर एक माइक यूज़ करते हैं, उस माइक का ये सिंबल मैंने बनाया है, तो वो उसके लिए बनाया है। और ये ग्राउंड से जुड़ी है। और इसके आगे देखिए फिर से एक ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को 22 K का रेजिस्टेंस लगा करके सप्लाई दी गई है कलेक्टर को, और कलेक्टर को फिर से कलेक्टर से ही एक कैपेसिटर लगा के 2.2 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर, फिर 22 K का रेजिस्टेंस लगा करके फिर माइक कंट्रोल पे, ये इसके वॉल्यूम कंट्रोल के सेंट्रल पॉइंट पे ये दी गई है। और फिर देखिए ये यहीं से ही इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर ये माइक नंबर 1, माइक 2 और माइक 3 जो कि DPDT स्विच से लगाया जाता है वहाँ पर दिया गया कनेक्शन उसका, और यही है देखिए। और ये इसका फ्रेंड्स, एक और देखिए इस ट्रांजिस्टर को फीडबैक देने के लिए यहाँ से एक 4 ओम पे से एक, सॉरी इसके मैंने लिखा नहीं नंबर, 33 K का ये रेजिस्टेंस है 5 वाट का। तो ये और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा के यहाँ पर दी गई है यहाँ पर। तो सेम पैटर्न जो कंपनीज के ब्रांडेड के एम्पलीफायर होते हैं उनमें भी यही होता है और लोकल में भी यही होता है, बट इसमें देखिए यहाँ पर जो डबल ट्रांजिस्टर होते हैं वो नहीं है, और सर्किट भी ऐसा इम्पोर्टेड सर्किट नहीं है। देखिए इसमें 5 ट्रांजिस्टर से ही बाईस टेबल माइक 1, 2, 3 के लिए बनाया गया है। तो यही था आज के वीडियो में, और इस प्रकार अपन वायरिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक।